मैंने ऐसे बंद किया, उसके बाद भी ये सुबह 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बताओ आज हेल्पिंग वाले दिन। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हम सब बहुत अच्छे हैं, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है हैलोवीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग आज स्पेंड भी करने वाले हैं आज का दिन। हैलोवीन की ट्रीट हम लोग लेके आ चुके हैं और रख दी है बच्चों के लिए। शाम को बच्चों को लेके जाएंगे नीचे। ऐसा सच कुछ मायरा के लिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम आया नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई कि उसको थोड़ा सा हैलोवीन स्टाइल में रेडी करूं और फिर देखते हैं मायरा को आज क्या। आज तो भाई बच्चों का ही है, तो मैं किचन में थी, थोड़ा कुकिंग कर रही थी। कुकिंग हो चुकी है और अभी हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे। गला भगवान की दया से अब पहले से बेटर है। पिछले 4-5 दिन से फीवर और गला यही सब प्रॉब्लम था थ्रोट का, अब बेटर है। What you doing? I will give you treat. बच्चों का अलग ही चल रहा है। Very nice. Mama. Yes, baby. What's that? That's a toffee. Mama. Toffee? Okay, it's a toffee. Candy? You want more candies? Okay. Yeah. Okay. और इनका ये पिन देखिए जरा, क्यूट लग रहा है। और ये क्या कर रही है पता है आपको? इसमें ना ट्रीट्स रखी हुई है इस चैरियट में, तो मैडम उसी का खोलने की कोशिश कर रही है। मैं हेल्प यू मैम। इसको ना बेबी ऐसे खोलते हैं, देखो। 1 2 वाओ, सो मेनी ट्रीट्स, हैप्पी हैलोवीन। ये तो ट्रिक हो गई, ट्रिक और ट्रीट, व्हाट यू वांट बेबी मायरा, व्हाट यू वांट बेबी मायरा, वांट ट्रीट फ्रॉम दिस, मामा विल ओपन दिस फॉर यू, डोंट क्राई। तो अपने जो मतलब का सामान नहीं उसे साइड किया जा रहा है और मतलब का सामान निकाला जा रहा है। मामा। अच्छा मामा को भी दोगे क्या? थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। ओके, ये किसके लिए फेंका? ओके, तो आप एक ले लो एक कप। हाँ, दिस इज वेरी क्लेवर, इसको पता है सारा उसी का है। वेरी गुड, हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी हैलोवीन, हैप्पी हैलोवीन। ओके बेबी, अब ऐसा नहीं लग रहा आपको ज्यादा हो रहा है? हाँ हाँ। पूरा चाहिए था इन्हें, एक से काम नहीं चल रहा था। फाड़ दो बेटा। व्हाट मम्मा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम स्टिल हैविंग फीवर, हेडेक एंड ऑल। हमारे घर में ना सब बीमार है आज। और ये बच्चे का अलग ही नाटक चल रखा है। ज्यादा कैंडी मत खाओ नहीं तो कद्दू बनाती जाओगी। वो तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं अपने गैस स्टॉप के पास लगा दूँ। तो एक मैं यहाँ रखूंगी ताकि किचन की विंडो से बाहर लग से दिखे, और एक मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो जो भी बाहर से जाएगा आते जाते उसे ये दोनों दिखेंगे, और रात में ये जल भी जाएंगे क्योंकि ये सोलर लाइट है। Hey!
बॉक्स। पंपकिन हैप्पी हैलोवीन। क्रिसमस आ रहा है गाइस सबके घरों के बाहर। को भगा रहे हो आप? ये ना ये दो पिजन्स के पीछे पड़ गई है इसके उसके। मायरा क्या कर रहे हो आप? तो गाइस यहाँ पे ना ये मायरा का फूड है और मैं ऐसे खाना खिला रही हूँ। आप पूरा रेडी हुए बाहर जाने के लिए गए नहीं शाम को? ट्रीट लाए हो? मेडिसिन? ये मेडिसिन वाला क्या है भाई? मेडिसिन लेके कहाँ जा रहे हो? नहीं गाइस इसमें बहुत सारी टॉफी है और मेडिसिन है क्योंकि हम सबकी तबीयत खराब है। पानी गरम कर रही हूँ गले की खराश के लिए, मतलब हम सभी की तबीयत खराब है। नितिन का भी है गला खराब, मेरा भी गला खराब है और नितिन को फीवर भी आ गया है, मुझे भी था 4 दिन से। आप नितिन को है तो पहले मैं हल्दी वाला दूध दे के आती हूँ। मैं पापा को हल्दी वाला दूध दे के आती हूँ। आप नॉटीनेस मत करना ठीक है, आप अपना हेलविन हेलविन खेलो। सुनो सो रहे हो? हल्दी वाला दूध ले लो। गरम पानी पिला रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ कि इसी बॉटल में मैं गरम पानी डाल रही हूँ और इसी में नमक, तो ये हम सब पूरे घर वाले इससे गरारा करेंगे। थोड़ा सॉल्ट और हो ना, ये मेरा यूटिलिटी रूम है। हाँ मैंने कॉफी रखी हुई है अपनी माइक्रोवेव में तो गरम हो रही है, वहीं पर ये दरवाजा ना थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही खुल जा रहा है। मुझे एक बार लगा मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे, मुझे लगा इससे खुल रहा है, मैंने ऐसे बंद किया। उसके बाद भी ये सुबह 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। बताओ आज हेलविन वाले दिन और फिर यहाँ से हवा आई और ये गिर गया और मैं यहाँ कुकिंग कर रही थी। मेरे तो सेटर की हालत खराब हुई ना यहाँ। तो ये भी ऊपर दे के आती हूँ रूम में। आई ले आई अभी ले लो, रख दे रही हूँ यहीं पर। चलो कम कम नो 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 पापा की तबीयत खराब है, चलो पापा की तबीयत खराब रहे ना, नो डोंट डिस्टर्ब, चलो मुंह में मुंह मत डालो, चलो चलो पापा सो रहे हैं, निन्नू है। ये क्या क्लिप लगाई हो प्यारी सी? कौन दिया तुमको? गस्ती देखिए गाइस, इनका बटर गस्ती देखिए इनका। ये हम दोनों माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, अब बच्चे को यहाँ शरारत छूट रखी है। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे प्लान बनाए थे हेलोवीन के, सोचा था कि आपको बाहर लेके जाएंगे, ट्रिक और ट्रीट दिखाएंगे। हमारी लॉबी में भी बहुत सारे बच्चे आए थे ट्रीट लेने के लिए और मैंने उसी बास्केट में जो मैं लेके आई थी ना उसी में सारे बच्चों को ट्रीट दी। मायरा को भी रेजन्स मिले थे हेलोवीन वाले क्यूट क्यूट से डिब्बों में, मैं वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मेरा थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम था तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि नितिन को भी थोड़ा कफ और थोड़ा सा वायरल है तो इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किए। और मज़े तो हुए बच्चों के, बच्चे मायरा बगल में गई
ट्रीट लेने, एक दो और बच्चे आए, नीचे गैदरिंग का भी प्लान था पर मैं नहीं जा पाई। पर जहाँ तक है मेरा थ्रोट तो बहुत बहुत बेटर हो गया है। 3 दिन पहले जो हालत थी, जो फीवर वीवर था, वो सारा मेरा सही हो चुका है। अब 3 दिन के अंदर मैं पूरी फुल रिकवर हो चुकी हूँ। अब थोड़ा बहुत थ्रोट में है, मुझे लगता है कि मैं 2-3 बार गर्म पानी का और नमक का गरारा करूँगी तो सही हो जाएगा। नितिन को भी मैंने दवाई ववाई दे दी है, तो होपफुली कल तक या परसों तक वो भी अच्छे से फिट और फाइन हो जाएंगे। मैंने तो उनसे बोल दिया है भाई कि अब कल तुम छुट्टी ले लेना, इतनी तबीयत खराब में ऑफिस का काम नहीं हो पाएगा भाई, हेल्थ सबसे पहले है। होपफुली सब कुछ जल्दी जल्दी से अच्छा हो जाएगा। पर ओवरऑल आज का दिन अच्छा रहा। मयू ने हेलोवीन में बहुत मस्ती करी। मयू के पापा भी सो रहे थे और वो खूब कूद कूद के मस्ती कर रही है। उसको ना गेस्ट रूम में जो बेड है ना, उसमें कूदने में बहुत मजा आता है, तो मैं जैसे तैसे उसे पकड़ के बाहर लेके आई थी, बट वो फिर से वहीं भाग गई है। वो जाती ही है जाती, जो उससे दूर सोता है ना उसी के पास जाती है। तो आज का यही प्लान है, आइसोलेशन में रहेंगे, मयू और मम्मा साथ में सोएंगे। वैसे मयू का क्या है ना, 4 दिन मेरी तबीयत खराब थी, चारों दिन वो रात में अपनी क्रिप से निकल के मेरे बगल में चिपक के सोएंगी। चिपक के मतलब कि मेरे फेस के ऊपर अपना पैर रख के सोएंगी, ऐसा आलम थे उनके। पैर रख लेंगे या फेस के ऊपर फेस रख लेंगे, मैं मुंह इधर ढकूं उधर रखूं, हैंकी रखूं, एक अपना अलग ब्लैंकेट करूं, ये सब चीज़ें मुझे रात भर करनी पड़ती थी ताकि इसको ना हो इन्फेक्शन। तो भगवान की दया से इसको कुछ नहीं हुआ, बट मुझसे थ्रोट का नितिन को चला गया और मेरा ना थोड़ा फीवर तो पूरा ही मेरा आज चला गया। बस थ्रोट में ही जो दिक्कत है वही है। नितिन का ये हुआ कि उनको थ्रोट का और उनको फीवर भी हल्का हल्का सा आ रहा है, तो मैंने उनको पैरासिटामोल दे दिए, दवाई पानी दे दी, तो होपफुली कल तक या परसों तक वो बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे। आप लोगों का हेलोवीन कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया हेलोवीन में। हमने तो बहुत 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 एंजॉय किया, होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। बेबी कम हियर, और मायरा आ चुकी है जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे हो, और ये सारी अलमारियाँ खोलना स्टार्ट कर दी है। नो कम हियर, इनको तो लग रहा है जैसे हैलोवीन का सारा इन्हीं के ऊपर मस्ती चली हुई है इस टाइम। मम्मी मम्मी कहाँ, मम्मी वेयर इज योर मामा, मम्मी वेयर इज योर मामा, हाय बेबी। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड।